पटना पुलिस ने एक गिरोह के ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूरेनियम जैसे पदार्थ को बेचने का काम करते थे। यह गिरोह पटना आया था, इसकी सूचना एटीएस को मिली थी और एटीएस के निशान के मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर पटना पुलिस और एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से 9 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक क्रेटा कार में सवार थे और इनके पास से 2 बैग मिले हैं जिनमें कि 900 ग्राम के 2 पैकेट थे और इनमें यूरेनियम मेड इन यूएसए लिखा गया था। आपको बता दें कि यूरेनियम की इस कीमत लगभग 1.8 किलोग्राम ये यूरेनियम थी और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में करोड़ों में है। अब किससे डील होनी थी और ये कहां सप्लाई की जानी थी, इस मामले में जांच चल रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 2 नेपाली नागरिक भी हैं, इसके अलावा 3 पूर्णिया के हैं, 2 पटना के हैं और 2 मोतिहारी से हैं। इस पूरे नेटवर्क के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं और इस मामले को लेकर एटीएस अब भी जाँच कर रही है। यह बताया जा रहा है कि यह पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो इस तरीके से ठगी का काम करता है, यूरेनियम के नाम पे उसी से जुड़े हुए लोग हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जाएगी ताकि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़24। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास से करीब 9 आदमियों के गिरफ्तार होने की सूचना है। इसमें 3 पूर्णिया के रहने वाले हैं, 2 मोतिहारी के, 2 पटना के और 2 नेपाल के रहने वाले हैं और पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 60/23 जब्त हुआ है। प्रारंभिक जांच में ये ठगी का मामला, इसमें कोई भी दुर्लभ मटीरियल या इस तरह का मटीरियल नहीं है। ये वास्तव में ऐसा कह करके उनसे बेचने का प्रयास किया गया। जो चीज रिकवर किया है वो है उसकी तो डिटेल फॉरेंसिक जांच होने दी जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव मटेरियल जो प्रारंभिक जांच में जैसा कि वही पुलिस अधीक्षक ने बताया है, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो है उनके पास में किट रहता है इस तरह का, तो उनसे जो प्रारंभिक जाँच हुई है वो ऐसा कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं, डिटेल जांच नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का कोई रेयर अर्थ या कोई इस तरह का जो है वो नहीं है। है क्या वास्तव में वो क्या केमिकल कंपोजिशन है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी क्लियर हो जाएगा। ठगी का मामला अभी तक की जांच से ठगी का मामला सर अरिजीत सिंह का।